नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैक्सिजोन टच कंपनी निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर हुई फरार। निवेशकों ने ज्यादा ब्याज व कमीशन के लोभ में लुटाई गाढ़ी कमाई। गाजियाबाद की कंपनी के अधिकारियों ने निवेशकों के पैसे समेत लटकाए ताले। जमशेदपुर के 10,000 से ज्यादा लोगों ने भी किया था निवेश। SSP ऑफिस पहुँच लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर के हुरलुंग में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का डंडा। 12 पिलर तोड़वाकर 10,000 वर्ग फीट जमीन कराई गई मुक्त। जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर CO के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अनाबाद बिहार व आदिवासी भूमि पर हो रहा था अवैध निर्माण। और सरायकेला जिले के गम्हरिया में उधार के पैसे मांगना पड़ गया महंगा। दबंगों ने युवक व उसकी माँ की कर दी पिटाई। माँ बेटा दोनों को इलाज के लिए MGM में कराना पड़ा भर्ती। आकाश कुमार को उधार में दिए थे 3,000 रुपए, मांगने पर किया इनकार। दोस्तों के साथ घर आकर की मारपीट। आइए बात करते हैं निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई MLM कंपनी की। NCR के गाजियाबाद स्थित मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड अपने लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। इसमें जमशेदपुर के करीब 10,000 निवेशकों के रुपए भी शामिल हैं। कंपनी की ठगी के शिकार लोगों ने बुधवार को SSP ऑफिस पहुंचकर उनसे न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि गाजियाबाद की MLM कंपनी मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड ने देश भर में हजारों रुपए हर माह रिटर्न का झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे जमा कराए थे। जमशेदपुर के भी 10,000 से अधिक लोगों ने मोटी कमाई के लालच में अपने पैसे कंपनी के लोगों के हवाले कर दिए थे, लेकिन कंपनी के लोग निवेशकों के करोड़ों रुपए समेट कर चंपत हो गए हैं। अब ठगी का एहसास होने पर बुधवार को कई निवेशकों ने SSP ऑफिस पहुंचकर प्रशासन से मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई एवं उनके पैसे दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि कंपनी के MD भूषण सिंह एवं उनकी पत्नी प्रियंका सिंह ने 22 अगस्त 2019 को गाजियाबाद से बिजनेस शुरू किया था। कंपनी ने जमा राशि पर 15 से 18% प्रति माह रिटर्न का झांसा देकर उनसे पैसे जमा कराए। यही नहीं, कंपनी का भरोसा बनाए रखने के लिए 2 वर्ष तक कंपनी ने निवेशकों को उनके निवेश पर लाभ भी दिया, जिससे आकर्षित होकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे लगाते गए। लेकिन अब कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी के घाटे में चलने की बात कहकर उनकी राशि हड़प ली और कंपनी के अधिकारी कर्मचारी सारे पैसे समेट कर फरार हो गए हैं। बुधवार को जमशेदपुर के निवेशकों ने SSP ऑफिस पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई। और इस तरह से ये नवयुवकों को योगी सरकार ने इसके लिए यंग अचीवर अवार्ड प्रदान किया गया था। ये सब सारी जानकारियां इसके वेबसाइट पर हैं। सारे लोग इसको देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं और तब इससे जुड़े हैं, मगर इसका प्रतिफल ये मिला है कि लोगों को धोखा, जो कि भारत के इतिहास में बिल्कुल नया नहीं है। हम जानबूझकर भी इस आग में अपना पैर रखे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है, मगर ये हमारी ज़रूरत भी थी और इसका नतीजा ये है कि आज हम शून्य हैं और हमारा लाखों का नुकसान है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ, और भी बहुत साथी लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं और जिनसे प्रभावित भी हैं लोग, जिनको जान रहे हैं, अपने घर के परिवार, बहन बेटी, जानने वाले दोस्त मुहिन सबको जोड़ा, केवल इसलिए कि उनको 2 पैसा मिले। और सब स्वेच्छा से जुड़े, ना किसी दबाव में, अपनी जानकारी अपने होशो हवास में, इस जिम्मेदारी के साथ कि इसमें जोखिम भी है, चूँकि शेयर बाज़ार से लिंक्ड बिजनेस है, तो उस जोखिम को भी आधार मानते हुए भी लोग जुड़े। जोखिम में बाजार में नुकसान होता, कंपनी बैलेंस शीट में बता देती कि हाँ मुझे नुकसान है, तो शायद हम लोगों को तकलीफ नहीं होती, मगर बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए अचानक कंपनी का बंद हो जाना, गाजियाबाद ऑफिस का लॉक हो जाना, CMD का गायब हो जाना, इसके अकाउंट जो HDFC में है, जिसमें हम लोग पैसा जमा करते थे, वो HDFC का अकाउंट सीज हो जाना बैंक के द्वारा ही, कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ इलीगल हरकत या काम हुआ है कंपनी के द्वारा, जिसके वजह से सबकी नज़र गई है। और हम सारे इन्वेस्टर्स जो करीब 10,000 के संख्या में हैं पूरे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से, और पूरे भारत के 29 राज्यों से इसमें लोग शामिल हैं, साउथ इंडिया से लोग हैं, नॉर्थ से हैं, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से, और हर लोग ठगे महसूस कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। सब अपने अपने क्षेत्र में कंपनी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। हम लोग भी आज कुल साथी मात्र
10% भी नहीं, 1% लोग अभी जुटे हैं जो थोड़े ज़्यादा जागरूक हैं, जिनको ज़्यादा चिंता है, जो समर्थ थे वो आए हैं, मगर करीब करीब 9 से 10 हज़ार लोग ठगे हुए हैं। और हम लोग उपायुक्त महोदय और ADM साहब से मिलकर आए हैं और SSP साहब से हम लोग ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, समय नहीं मिला है, शायद बहुत व्यस्त हैं वो, मगर ये फरियाद और उनकी सहायता ताकि ये शख्स जो सबों को धोखा दिया है कम से कम पैसा हमारा वापस करे या फिर नहीं तो देश छोड़कर नहीं भागे और भारत सरकार कानून के तहत इसको हमारे बीच लाकर हमारे अभी लोगों का जो मामला है मैक्सिमम टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 2 साल से अच्छे से चल ही रही थी और अभी तक चल ही रही थी, क्योंकि 2 महीना से कुछ चेंजेस आते आते सिस्टम का भी चेंज, कभी गेटवे आते, कभी बैंक इश्यूज आते आते आज ऐसा हो गया सिचुएशन के सबका पेमेंट होल्ड हो गया है और 2 महीना से तो होल्ड हुआ ही हुआ था, प्लस आज सर फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और अपना फ़ोन छोड़ करके चले गए हैं और वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। गाज़ियाबाद में उनका मेन हेड ऑफिस है वो भी अभी बंद है, तो अभी कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ना कोई उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इवन जो ग्रुप वो बनाए थे जिसमें वो खुद एडमिन थे, जिस तरह और बाकी जमशेदपुर के जितने ग्रुप में थे वो वहाँ से वो खुद लेफ्ट हो गए हैं और बाकी ग्रुप से हम लोग को लेफ्ट कर दिए हैं। तो ये सिचुएशन से ये चीज़ से देख कर भी समझ में आता है कि सर भाग गए हैं और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से लीगल एक्शन लें और कार्रवाई किया जाए, जिसमें प्रशासन से उम्मीद यही करते हैं कि वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, क्योंकि ये हम सिर्फ 1 या 2 या 4 का बात नहीं है, ये करीब लाखों करोड़ों और सिर्फ जमशेदपुर के नहीं, जमशेदपुर के अलावा ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिज़ोन के हर जगह मैक्सिज़ोन के नाम पे फ्रॉड हुआ है। अगर इसको देखेंगे तो फ्रॉड ही आप कहेंगे। मेरा तो 14 लाख फंसा है सर और 600 की मेरी टीम है जिसमें से उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा अमाउंट, किसी का 18 किसी का 20, इस तरह का बहुत सारे अमाउंट भी जो फंसे हुए हैं। तो बस प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसको देखा से ज़्यादा हाईलाइट करें और वो पकड़ में आए बाहर जाने से। हम लोग का सबसे बड़ा मोटिव है पहले कि उनको इनके नाम पे FIR करें और ये बाहर इंडिया से बाहर निकलने से पहले हम अभी जो मैक्सिमम टच अभी हमारे साथ में जो भी लोगों के साथ में किया है, अभी ये लोगों का ऐसा सिचुएशन है, हो सकता है कोई कभी भी सुसाइड कर सकता है, कभी कोई भी कुछ भी यहाँ पे अनहोनी ना हो जाए, इसके कारण हम लोग इसकी SSP सर, ADM सर, DM सर इन लोगों से हेल्प मांगने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कोई भी हेल्प अभी तक सही से मिला नहीं है, लेकिन ADM सर का हेल्प मिला है, उन्होंने हम लोग को बोले हैं कि आप FIR दर्ज करके आइए और यहाँ पर हम लोग का जो भी है सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद हम DM मैम को भेजेंगे। लेकिन मेरा ये बोलना था जो भी प्रलोभन दिए हैं ये सारे चीज़ साजिश था मैक्सिमम टच का, जो भी लीडर्स आज कुछ भी बोलेंगे कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था बहुत कुछ सही था, लेकिन कुछ भी सही नहीं था। 3 महीना से प्लान चल रहा था, लोगों को ये सारे को गुमराह किया गया था। अब हम आपको बोल रहे हैं यहाँ जितने लोग हैं सभी का एकजुट एक ही सुर में बात करिए कि ये गुमराह किया गया था कि नहीं किया गया था, और ये करके हम लोग को यहाँ पे तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया लोग यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं उसका पास में कुछ भी सही डॉक्यूमेंट नहीं। मेरा तो बहुत कम डूबा है, 3 लाख रुपया डूबा है, लेकिन वो बात मेरा नहीं है, मेरे सहयोगी का है, 20 लाख 25 लाख 10 लाख 40 लाख 46 लाख और ऐसे करके सभी लोग का है। हम सभी लोग के लिए लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि हम अकेले भी 1 लाख भी मेरा होता तभी भी उतना ही लड़ते और 50 लाख होता तभी। ये एक गाज़ियाबाद बेस्ड फर्म है मैक्सिमम टच प्राइवेट लिमिटेड, ये लोगों का पैसा लेके अभी भाग चुकी है कंपनी, कोई रिस्पांस नहीं है इनका एंड से, करीब करीब लाखों रुपए है, मतलब मिनिमम डिपॉजिट लाख रुपए होता था, उससे नीचे होते नहीं थे। तो जमशेदपुर के मोटा मोटी हमको लगता है कि आपका कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये यहाँ का हो। ये कंपनी भाग चुकी है, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई फ़ोन कॉल का ये नहीं, CMD का भी फोन। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में 10,000 वर्ग फीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने चलको के हुरलुंग क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वहां बने 12 पिलरों को तोड़वा दिया। हुरलुंग के खाता संख्या 26 प्लॉट नंबर 225 में अवैध रूप से ये पिलर बनवाए जा रहे थे। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव के आदेश पर जिले में अवैध निर्माण कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत बुधवार को गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल प्रशासन ने हुरलुंग में खाता नंबर 26 प्लॉट नंबर 225 में चल रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके तहत प्लॉट में अवैध रूप से बनाए गए 12 पिलरों को JCB से ध्वस्त करा दिया गया। अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उक्त मामला संज्ञान में आया था,
जिसे जांच में अवैध निर्माण पाते हुए उसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जांच में उक्त निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा आदिवासी खाता तथा अनाबाद बिहार की जमीन से संबंधित मिला, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। आइए बात करते हैं उधार के पैसे मांगने पर दबंगों द्वारा माँ बेटे की पिटाई किए जाने की। सरायकेला के गम्हरिया स्थित बलरामपुर में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने एक युवक एवं उसकी मां को लाठी डंडे रॉड आदि से मारपीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट में जख्मी मां एवं बेटा दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बता दें कि गम्हरिया के बलरामपुर निवासी आकाश कुमार नामक युवक ने शुभम कुमार से 3,000 रुपए उधार लिए थे। बुधवार की सुबह शुभम ने आकाश को फोन कर पैसे वापस करने के लिए कहा तो वो बहस पर उतर आया। यही नहीं, बात बात में उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही आकाश कुमार अपने साथियों राजकुमार, हर्ष कुमार, निरहू कुमार, छोटू उर्फ सुमित सिन्हा आदि के साथ पिस्टल लेकर शुभम के घर पर आधमका और ईंट पत्थर चलाने लगा। शुभम ने बताया कि उसने बाहर निकलकर इसका कारण पूछा तो सभी उसे मारने पीटने लगे। आकाश ने शुभम को पिस्टल सटाकर उसके साथ मारपीट की एवं पिस्टल की बट से भी मारा। सभी ने उसे लाठी डंडे व रॉड से मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव कर उसे बचाने पहुंची उसकी मां पूजा कुमारी को भी सभी ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। शुभम ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसका नाम था आकाश कुमार, दूसरा का नाम था रेपो कुमार, वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। तीसरा वो सब ब्राउनिश था, सब ब्राउन पीने वाला। और तीसरा का नाम था हर्ष कुमार, वो सब बुलाईडी का ही है। और एक था छोटू सुमित सिन्हा, वो एक कंपनी घोड़ा बाबा के सामने वहीं पर काम करता, और वो अपना बाइक के साथ कुछ 8-9 जन के साथ आया और सीधा मेरा घर पर ईटा पत्थर रॉड कड़ा लोहा ईटा पत्थर सब चलाने लगा घर पे। अभी भी आप मेरे घर चलेंगे तो ईटा पत्थर का सबका निशान है। कितने लोग तुम्हारा? कम से कम 7-8 लोग। एक सेकंड, ये घटना गम्हरिया का। एक सेकंड, एक माजी गम्हरिया का। गम्हरिया का क्या? एंकर स्क्रीन गम्हरिया बलरामपुर। अच्छा, क्या हुआ आज? आज कितना बजे? मतलब 12 बजे के आसपास वो लोग आए और उनसे हम पैसे पाते थे तो उन्हें हम कॉल करके बोले तो पैसा नहीं देने के लिए 8-9 लड़का लेकर आ सीधा मेरे घर पर ब्राउन के घर छीनते ही और वही सब करने लगे, मार्केट करने लगे। घायल कौन कौन हुए? जिसमें घायल हम और मेरी मम्मी। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मैं शुभम कुमार और मेरी मम्मी पूजा कुमारी पूजा, दोनों को मोटे रड और ईटे पत्थर से मारा और इसके बाद फिर धमकाया। और एक जो रेपो लड़का था वो बंदूक लेकर आया था और बोला गोली मार देंगे तुम सबको, यही सब बोला। कितने पैसे बाकी था? पैसा 2-3 हज़ार ही, ज़्यादा नहीं है। उसके लिए मारपीट हुआ? कहाँ का चोट लगा आप लोगों को? ये सर फाड़ के पूरा एकदम गड्ढा कर दिया था अभी, और ये सब पूरा पत्थर से पूरा सब मारा पूरा बॉडी वाली। बात करते हैं जमशेदपुर में आयोजित होने जा रहे गुरमत समागम की। जमशेदपुर की संस्था जागती जमीर वाले आगामी 24 अप्रैल को जमशेदपुर में गुरमत समागम का आयोजन कर रही है। नौजवानों को वीर शहीदों भाई सुबेग सिंह व शाहबाज सिंह सहित सिखों के इतिहास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। संस्था जागती जमीर वाले के प्रचारक हरविंदर सिंह जमशेदपुरी ने सांची गुरुद्वारा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरमत समागम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिख युवाओं में समाज के वीर शहीदों भाई सुबेग सिंह व शाहबाज सिंह की शहादत एवं सिखों के इतिहास के प्रति जागरूक कर उन्हें समाज से जोड़ने के उद्देश्य से ये गुरमत समागम हो रहा है। उन्होंने बताया कि समागम में किसान आंदोलन में सहयोग देने वाले जगसीर सिंह व डॉक्टर स्वयमान सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि समागम में युवाओं को पगड़ी के महत्व की जानकारी भी दी जाएगी। 23 अप्रैल को उनके स्वागत के लिए बाइक रैली भी निकाली जाएगी। असल में हमारे यहाँ जो नई पीढ़ी है, जो जागती जमीर वाले जो हमारी संस्था है, उनकी ओर से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हम लोग गुरमत समागम जो है वो करने जा रहे हैं। ये भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह जी की याद में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, जो हमारे एक सिख शहीद हुए हैं उनकी याद में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें खास तौर पर अमरीका से डॉक्टर स्वयंमान सिंह जी, जो करीबन 10 महीने किसानी आंदोलन में मौजूद थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, वहाँ किसानों की सेवा कर रहे थे, और जगसीर सिंह जग्गी बाबा जो रोल मॉडल रहे किसानी आंदोलन में, हीरो रहे,
वो भी इस समागम में जो है वो पहुंच रहे हैं। 24 तारीख को ये समागम जो है साक्षी गुरुद्वारा साहब में रखा जाएगा और इसका उद्देश्य जो है वो आज की जो यंग जनरेशन पीढ़ी जो है उसको जोड़ना है अपने इतिहास के साथ। आज हमारा नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं इतिहास से गुम नजर आ रहा है। सुबेक सिंह साबा सिंह जी के बारे में हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है, बहुत सारे नौजवानों, तो हम लोग आज इसके माध्यम से नौजवानों को प्रेरित करेंगे और जागती जमीर जो संस्था है इसके साथ जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। आइए बात करते हैं टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए पहली EMU ट्रेन को रवाना किए जाने की। टाटानगर बादाम पहाड़ रेल लाइन के विद्युतीकरण के बाद बुधवार को टाटानगर से पहली EMU ट्रेन बादाम पहाड़ रवाना हुई। टाटानगर स्टेशन पर सांसद विद्युत वरण महतो व विधायक मंगल कालिंदी ने हरी झंडी दिखाकर बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान रेलवे के सीनियर DCM रेलकर्मी व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाटानगर बादाम पहाड़ रेल लाइन के विद्युतीकरण के पश्चात बुधवार को उस पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आरम्भ हुआ। सांसद विद्युत वरण महतो व विधायक मंगल कालिंदी ने बुधवार सुबह टाटानगर स्टेशन से टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बादाम पहाड़ के लिए रवाना किया। चक्रधरपुर के DRM विजय कुमार साहू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सांसद विद्युत बरन महतो ने इस ऐतिहासिक पल के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय व टाटानगर रेल प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के कारण आज रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। बढ़ते ट्रैफिक को देखकर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाटानगर बादाम पहाड़ लाइन सबसे पुरानी रेल लाइन है। 1911 से यहां ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। जिस तरह डीजल की खपत हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण किया जाना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने टाटानगर बादाम पहाड़ रेल लाइन के दोहरीकरण की बात कहते हुए रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस रेलखंड का दोहरीकरण किया जाए ताकि इस लाइन से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भी जोड़ाए, लाइन को डबल लाइन किया जाए ताकि उड़ीसा के भुवनेश्वर भी इस लाइन के माध्यम से आसानी से जाया जा सके। देश में वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन पूरा रेल का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुराना ओल्ड था उसको अभी नवीनीकरण करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज़ादी के पहले से थर्ड लाइन नहीं था। अब जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया उन चीज़ों को एहसास करते हुए उन्होंने पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जैसे बढ़िया हो, बेहतर हो और अधिक से अधिक ट्रेन चले, इसीलिए गुड्स ट्रेन का रूट अलग करके, पैसेंजर ट्रेन का अलग करके थर्ड लाइन बना, एक एक ऐतिहासिक कदम था। दूसरी ओर आप देख रहे हैं जितना फटक है सभी में एक्सीडेंट हो रहा था। अभी कहीं अंडरग्राउंड ब्रिज बन रहा है, कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है, सारे फटक बंद करने का रेलवे का ये बहुत दूरगामी जो एक टारगेट है इसको पूरा करने के लिए जा रहा। बहुत 50% जब अब पूरा देश के अंदर में लगभग कम चल रहा है और कोई जगह पूरा भी हो गया। ये 1911 में शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं जो इस तरह का डीजल की अभाव है और जिस तरह मांग है इसमें कॉस्ट काफ़ी पड़ रहा था। तो ऐसे भारत के अंदर में ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, तो सरकार ने, रेल विभाग ने, भारत सरकार ने उसको निर्णय लिया कि इसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाए। तो इसमें आगे चलकर हम लोग का बहुत सारी चीज़ बचत भी होगा और लोगों को समय पर जाने के लिए भी सहूलियत भी होगा। और एक ऐतिहासिक दिन रहा आज जिन्होंने 1911 के बाद आज जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ से लेकर पैसेंजर करवाना हुई, इसीलिए रेल विभाग के मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल के GM DRM और जितने भी सीनियर DCM सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें इंजीनियरिंग सेल को भी जो लगातार इसको करने में अंजाम दिया, धरातल उतारने का काम किया। हम लोग तो लगातार सदन में बात की को रखते रहते हैं, इसको अभी डबल लाइन का भी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से बादाम पहाड़ होते हुए अगर केवघर डबल लाइन हो जाए, वहाँ से सीधी भुवनेश्वर को जोड़ा जाए तो खड़गपुर जाना जाके। वही विधायक कालिंदी ने भी इस रेलखंड के विद्युतीकरण के लिए रेलवे का आभार जताते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेल क्षेत्र में बसी घनी आबादी के प्रयोग में आने वाली सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए फंड भी आवंटित कर दिया है पर रेलवे के NOC के लिए काम रुका हुआ है। उन्होंने जुगसलाई क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी से
पार्वती घाट तक मुख्य सड़क के जीर्णोद्धार के लिए रेलवे से शीघ्र NOC दिए जाने की मांग की। पहले तो ये हम लोगों का बंगाली समाज का जो है वैशाखी पर्व का महीना है, और ऐसे समय में ये ट्रेन का जो है आज के दिन उद्घाटन समारोह जो किया गया था, सांसद महोदय और हमने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया यहाँ से, और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं बहुत पहले जो है हाफ माइंड में हमारी जो माता जी थे स्वर्गीय केसरी देवी, उनके साथ हम इस ट्रेन में सफ़र किए हैं, और आज अच्छा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और ये पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में जैसे कोलकाता स्टेशन है उसमें जो है रेलवे ट्रैक के बगल में जो है रोड की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक जमशेदपुर जो है टाटा नगर स्टेशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी होना चाहिए। और दूसरी बात, रेलवे का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन के आधार पर जो है रोड चौड़ी होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, इसमें रेलवे को जो है NOC देने की आवश्यकता है, क्योंकि आम जनता दूरसराय क्षेत्र के जनता की बात है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं रेलवे का NOC नहीं मिलने पर। हमने DRM से भी मिला और हमने जाकर कोलकाता में GM महोदया से भी हमने भेंट किया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं होने से दुखसराई की जनता जो है क्षेत्र के वो माने कि अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि गरीब नवाज कॉलोनी से लेकर पार्वती घाट होकर जो आदित्यपुर पुल को जोड़ने वाला जो रोड है वो 500 मीटर जो है हमको लगता है कि रेलवे के अधीन में है, जो कि रेलवे का NOC देना चाहिए, और वो पॉपुलेशन को देखते उस क्षेत्र का अगर ये रोड बन जाता है गरीब नवाज कॉलोनी से हावर ब्रिज के नीचे होते हुए पार्वती घाट आदित्यपुर पुलिया को पकड़ता है, तो हमें लगता है कि रेलवे का वाहवाही होगा, रेलवे का लोग तारीफ करेंगे, रेलवे का लोग पूजा करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में लोगों की इस रोड का जो है बहुत अति आवश्यकता है, जो कि 500 मीटर है। और हमने राज्य सरकार से, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी इसमें फंड भी पास कर दिया है, लेकिन ये रेलवे का NOC नहीं देने से क्षेत्र के जनता में जो है चिंता व्यक्त है कि आखिर के रेलवे क्यों माने कि 500 मीटर जो है और करीबन 100 फीट ऊपर में जो है आपका रेलवे लाइन है, और उसके नीचे से अगर रोड निकल जाता है नदी किनारे किनारे, तो हमको लगता है कि ये सहूलियत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जिसका ज़मीन नहीं है, जिसका घर नहीं है, वो कहीं भी इंदिरा आवास बना के रह सकता है। तो मान लीजिए यहाँ 50,000 जनता की बात है, अगर हम लोग ये गरीब नवाज कॉलोनी से आदित्यपुर पार्वती घाट को रोड। और अब बात भाजमो द्वारा CM से बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग किए जाने की। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से तत्काल इस्तीफा लेने की मांग की है। यही नहीं, पार्टी ने आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्री का इस्तीफा नहीं होने की स्थिति में विधानसभा नहीं चलने देने के साथ ही सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी है। कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय में छिड़ी जंग अब सड़क से होते हुए विधानसभा पहुंचने को तैयार दिख रही है। दोनों नेताओं के समर्थकों द्वारा चौक चौराहों पर पुतला दहन के बाद भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने अब यह मामला विधानसभा तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जमशेदपुर के उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना की प्रोत्साहन राशि हड़पने का जो आरोप लगाया उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया है। अब मुख्यमंत्री उनसे तत्काल इस्तीफा लें। ज्ञापन में आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्री का इस्तीफा नहीं लिए जाने की स्थिति में विधानसभा में हंगामा होने के साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दी गई है। ये तो सर्वविदित है, 4-5 दिन पहले से सारा अखबार में आ रहा है। माननीय विधायक सरजू राय जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो COVID-19 के अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि जो अपने नाम जो स्वास्थ्य मंत्री खुद अपने नाम में प्रोत्साहन राशि दिखा दिया और गलतफहमी कर रहा था कि नहीं हमने नहीं लिया है, कोई नहीं लिया है, अभी जो है 6 लोगों को छोड़कर के बाकी डोरंडा ट्रेजरी में सारा का पैसा ट्रांसफ़र भी हो गया, और 6 लोग जिसमें बन्ना गुप्ता खुद शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है चेक में, 44,000 समथिंग रुपया उनके नाम से जा रहा था, लेकिन वो रुका प्रोजेक्ट भवन में रिजर्व बैंक के कारण जो है वो रुक गया।
लेकिन उन्होंने तो चोरी की चोरी पकड़ी गई है। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर डिमांड करती है कि अविलंब ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, विधायिका को शर्मसार किया है, माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम लोगों ने डीसी महोदय के थ्रू ज्ञापन दिया है कि इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, ये रहने लायक नहीं है। इन्होंने पूरे झारखंड की जनता का अपमान किया है और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इसमें कांग्रेस को खुद निर्णय करना चाहिए कि कांग्रेस की भद पिट जाएगी झारखंड में और आने वाला कल झारखंड का एक भी विधायक नहीं जीतेगा। जिस तरह से आदरणीय रघुवर दास जी के कारण झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी, आने वाला कल झारखंड में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा अगर इसको नहीं हटाया। आगे रणनीति यही है कि अब तो विधानसभा चलेगी, विधानसभा के पहले अगर निर्णय ले लेते हैं मुख्यमंत्री तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा में वो विधानसभा नहीं चलेगी और उनको काफ़ी बैकफुट पर आना पड़ेगा। उस समय निर्णय लेना पड़ेगा जब विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव, सारे प्रस्ताव आएंगे और ये तो रोकड़ का बात है, ये तो आर्थिक जो अनियमितता का बात है, तो इसमें इनको तो बर्खास्त होना ही है। ये है कि इनकी बंद पिटने के बाद बर्खास्त हो, ये पहले हो जाए तो सरकार की साख भी बच जाएगी। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर विधानसभा में पूरा विपक्ष, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी सरजू राय जी के कथन से सहमत है और रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, हम उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमेशा भ्रष्ट आचरण वाले लोग जिन पर हम आवाज़ उठाते रहे उन पर भी आप आवाज़ उठाइए, जिस तरह से हमने बन्ना गुप्ता पर आवाज़ उठाई है और भी लोगों पर, जिस तरह से टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला पर हमने आवाज़ उठाई है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ रांची में उस आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का पैमाना एक होना चाहिए। ये हम लोग चाहते हैं तुरंत उसको बर्खास्त हो और नहीं तो यहाँ तो जनता इसकी इनकी विदाई तो करेगी, ये तय है। बात करते हैं हल्दी पोखर उर्दू मिडिल स्कूल में पानी व शौचालय के लिए विद्यार्थियों के प्रदर्शन की। जमशेदपुर से निकट पोटका के हल्दी पोखर राजकीय उर्दू बालिका मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की मांग को लेकर स्कूल में प्रदर्शन किया। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावक व स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य भी विद्यार्थियों के समर्थन में खड़े दिखे। बता दें कि हल्दी पोखर राजकीय उर्दू बालिका मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एकमात्र शौचालय होने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है, इसीलिए विद्यालय में और शौचालय बनाने की मांग हो रही है। इसी तरह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की भी मांग की जा रही है। स्कूल के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने भी कहा कि स्कूल में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में 500 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनके लिए विद्यालय में अभी एकमात्र शौचालय है, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है। बस एक ही शौचालय है, वहाँ टीचर भी जाते हैं और बच्चे लोग भी जाते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं वो भी जाते हैं। विरोध करने का यही मतलब है कि स्कूल में जो है बच्चा लोग का बहुत समस्या है, जैसा कि आपका पानी का समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है पानी का, और सबसे बड़ा समस्या है कि आपका टॉयलेट का समस्या है। और ये जो स्कूल है ये बालिका स्कूल है जिसमें बच्चे जो पढ़ते हैं 578 बच्चे, 14 शायद लगभग टीचर है, और इसके बावजूद भी एक ही टॉयलेट में सारा बच्चा भी जा रहा है, सारा टीचर भी जा रहा है और भी बाहर का कुछ आदमी आते हैं तो वो भी जाते हैं। तो इसी कारण से कुछ बच्चा, हम अध्यक्ष के रूप में हमको चुना गया तो बच्चा लोग कंप्लेन लेकर आया, तो इसीलिए बच्चा लोग को फिर सब अपना धरना किए बच्चा लोग। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का शौचालय का जो परेशानी है, दिक्कत है लड़कियों लोग के लिए, उसको दूर किया जाए और जो पानी का समस्या उसको भी दूर किया जाए और खेलने का जो भी सामान आया हुआ है। दिक्कत यह है कि सर देखिए, यहाँ शौचालय जो है एक है वो भी जर्जर स्थिति में है और यहाँ 500 से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ टीचर भी वही शौचालय में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, उनको लाइन लगना पड़ता है आधा घंटा एक घंटा तक, ये समस्या है। पानी का जो है एक ही टैप है, नल है, जिसमें हजारों बच्चे लाइन लगे हुए हैं उसमें पानी पीने के लिए, घंटों भर वहाँ लाइनें लगे रखते हैं, क्लास यहाँ पूरा मिस होते रहता है बच्चों का, तो पानी का भी समस्या दूर होना चाहिए। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि बच्चों की मांग जायज है, शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बच्चे प्रदर्शन करते हैं शौचालय का और स्वच्छ जल का डिमांड कर रहे थे, तो हर बच्चों को तो मांग उचित है, होना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ कि भाई बच्चों का ये बहुत अच्छी मांग है और मैं विभागीय पत्र भी लिखूँगा
पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा अपने अधिकारियों को कि समुचित जल का व्यवस्था हो और शौचालय भी उत्तम किस्म का हो। ऐसे जो DAC के यहाँ जो लंबित था, कल मैं गया था तो वहाँ पर डिमांड हो गया है, वो शायद अब बनेगा और कुछ कोठी का बनेगा। एक प्राइवेट संस्था है, उसके माध्यम से बनाया जा रहा है, उनका नाम है टाटा ब्लू एस्को प्राइवेट लिमिटेड है। उनका एक प्रयासरत था कि यहाँ पर उच्च कोटि का वो बने, तो अच्छी बात है सर, तो वहाँ से आदेश भी लिया है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।